हो साला, रोड से आते आते ना हालत खराब हो जाती है। आपको था रोड कहाँ पे? हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सुबह ना मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, जब मैं वापस आ रहा था मेरे को अचानक से गाड़ी मिल गई, तो मैं गाड़ी के साथ ही आ गया और फिर गाड़ी में मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। आप सब लोग बढ़िया हैं? देवप्रयाग से आ रहा हूँ और इतनी पसीना हो चुकी है ना, हालत ख़राब हो चुकी है, गाड़ी नहीं मिली मुझे पूरे रास्ते भर में। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही पैदल चल लेंगे। हो साला, रोड से आते आते ना हालत ख़राब हो जाती है। आपको था रोड कहाँ पे हमारी दिख रही है? ये भाई कुछ ना दिख रहा रोड का, वो नीचे थोड़े से उधर दिख रहा थोड़ा हल्का सा, बड़ी हालत ख़राब। ऊंचाई में घर होने का फ़ायदा एक ये भी है कि वहाँ पे हवा वगैरह आपको ना अच्छी मिलेगी, पर गर्मियों के दिनों ना चलते हुए हालत ख़राब जाती है, जैसे हमारी हो रही है। इतना पसीना निकल रहा है ना, इतना तो हो आर्मी की भर्ती के लिए जो दौड़ता है उसको भी नहीं निकलता। हो भाई, हाय राम, कोई बचा ले इस गर्मी से, इतनी भयंकर गर्मी। पर इस टाइम हरियाली हरियाली गांव में। डरवर भी तो इसी टाइम होता है। नहीं पता